नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज एक और नया मॉडल ऑक्सीमेड का सक्शन मशीन का हम लोग देखेंगे। पहले हमने देखा था एक दूसरा मॉडल था, अभी एक दूसरा मॉडल जो आजकल लेटेस्ट आ रहा है वो ये मॉडल आ रहा है। इसका स्पेसिफिकेशंस हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज 220 वोल्ट से 220 वोल्ट का मशीन है। पावर 90 VA, और 1 लीटर का इसमें जार है। सक्शन जार जो है इसका 1 लीटर का है। इसके MRP जो है इंक्लूडिंग टैक्सेस 9,000 रुपये है। मार्केट में आपको 5-6,000 रुपये में ये मिल जाएगी। मेडिकेप हेल्थ केयर इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। ऑक्सीमेड इनका ब्रांड है और मैन्युफैक्चर्ड बाय के इंडस्ट्रीज नारायणा में, दिल्ली में ये बन रहा है। MRP इसका 9,000 है। 1 साल की वारंटी के साथ ये मशीन आती है। इसको अभी खोल के देख लेते हैं कैसा है। पैकिंग में आपको ये पहले रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करके ये मशीन आप इसमें से उठा सकते हैं और इसमें आपको एक मिलेगा यूजर मैनुअल। ये मशीन है, इसका वेट लगभग 3.25 किलो के आसपास है। 3 किलो 200 ग्राम के आसपास इसका वेट है। रिमूवेबल जार है, सक्शन जार आप रिमूव कर सकते हैं वॉश करने के लिए। ये इसका ऑन ऑफ बटन है। ये इसका सक्शन रेगुलेटर है, इससे आप कम ज्यादा कर सकते हैं सक्शन, आपको जितना पावर सक्शन का रखना है। ये इसका वैक्यूम गेज है, -0 से ले इसका जो प्रेशर गेज वैक्यूम गेज है 0 से लेके -760 mmHg तक इसका रेंज है। ये इसको पकड़ने के लिए इसमें हैंडल दिया गया है, हैंडल से पकड़ के उठा सकते हैं यहाँ से। और नीचे इसका सीरियल नंबर दिया गया है, मशीन का सीरियल नंबर, MRP वगैरह सब नीचे लिखा है, स्पेसिफिकेशंस, कंपनी का नाम। इसमें जार के अंदर जो है इसकी एक्सेसरीज हैं। ये एक सक्शन ट्यूब मिलेगा आपको, 2 इसके साथ सक्शन कैथेटर दिए गए हैं, 2 सक्शन कैथेटर हैं, 1 फिल्टर दिया गया है और ये 2 ट्यूबिंग्स फिल्टर को मशीन के साथ जोड़ने के लिए दी गई हैं। एक ये सक्शन कनेक्टर है और एक ये एक्स्ट्रा 2 फ्यूज निकलेंगे इस पैकेट में। ये मशीन का आउटपुट है, मशीन का जहां से मशीन सक्शन करेगी यहां से, इससे हम जार कनेक्ट करेंगे। जार कैसे कनेक्ट करना है वो देखेंगे। जार को पहले इसमें लगा दीजिए और एक ट्यूबिंग, ये जो 2 छोटी ट्यूबिंग्स इसमें निकली हैं, ये दोनों ट्यूबिंग्स एक ट्यूब इसमें से पहले मशीन में कनेक्ट कर दीजिए। दूसरे एंड पे ये फिल्टर लगाइए, फिर इस पे ये दूसरा टुकड़ा जो साथ में मिला है मशीन के, ये कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट करके हमें ये जार में निकले, यहाँ पे इसमें सेफ्टी वाल्व भी है, फ्लोट है इसमें, ताकि मशीन में अगर ज्यादा पानी आ जाए तो मशीन के अंदर ना जाए, तो ये यहाँ से ऊपर आके इसको होल को बंद कर देता है। पानी जब इसमें पूरा भर जाएगा, सिक्रीशंस भर जाएंगे, तो ये यहाँ से पूरा बंद हो जाएगा। इसको कनेक्ट करने के लिए इसको पहले जार को यहाँ पे लगा दीजिए, जार को लगा के इसके ऊपर। और ये भी देखना है यहाँ पे इन पेशेंट बना हुआ है, पेशेंट से यहाँ से आएगा और यहाँ से मशीन को कनेक्ट करना है। आउट मतलब मशीन में जाएगा ये,
तो इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए जो फिल्टर का है आउटपुट पे, और इसको बंद कर दीजिए। इसको बंद कर देंगे और दूसरा जो लंबा पाइप सक्शन के लिए दिया गया है वो पाइप हम लोग जो है यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसके आगे हम ये सक्शन कनेक्टर लगाएंगे। सक्शन कनेक्टर लगा दिया और इसके आगे ये सक्शन कैथेटर जो है, हम ये दूसरे कलर का है, डार्क कलर दिखेगा इसमें, तो ये जो कनेक्टर है, हम कैथेटर खोल नहीं रहे हैं, नया है, तो ये इसको साथ में यहाँ पे लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, ये पेशेंट के अंदर डाल के सक्शन कर सकते हैं। तो अभी ये सक्शन कैसे करना है, कैसे काम करेगा, इसको देख लेते हैं। इसको कनेक्ट करेंगे, पावर में लगाया और यहाँ से इसको ऑन करेंगे। ऑन करके यहाँ पे हाथ रख के आप देख सकते हैं सर्किट पूरा है कि नहीं है। ये इसको ब्लॉक करेंगे, इसको ब्लॉक करके गेज देखेंगे, मीटर देखेंगे। मीटर में जो है मीटर दिखेगा, मीटर में ये नीडल देखिए आपको इसका जो है पीछे जाता हुआ दिखेगा। इसको जब आप सक्शन बढ़ा देंगे पूरा फुल कर दीजिए तो यहाँ से ब्लॉक करके रखेंगे, इसको ब्लॉक करके रखेंगे तो देखिए सुई पीछे जा रही है, मीटर की सुई पीछे जा रही है। इसको देखिए अभी इसने उंगली को मेरी पकड़ लिया है, सक्शन इतना पावरफुल है, देखिए उंगली के साथ पाइप चिपक गई है। इसको आप छुड़वाएंगे, देखिए मेरे यहाँ पे इसने उंगली पे भी ये स्किन जो है ऊपर खींच लिया है इसने, इतना पावरफुल सक्शन है इसमें। यहाँ पे देखिए निशान पड़ गया गोल। इसको फिर से यहाँ पे रखेंगे, जब वैक्यूम करेंगे तो यहाँ पे नीडल पीछे आएगी, सुई पीछे आती है जब ये पीछे की सक्शन जब ज़्यादा होता है। ये देखिए 500 से भी कम चला गया, -500 से। अप्रॉक्सीमेटली -600 तक गेज जा रहा है इसका फुल करने पे, फुल सक्शन करने पे। देखिए इतना पावरफुल है ये, इसने पकड़ लिया है, मेरी फिंगर को छोड़ नहीं रहा है, इसको पकड़ लिया है इसने इतनी जोर से। तो इसको आपको जिस इतना भी सक्शन करना है पावर का, जितना भी जितनी पावर सक्शन का रखना है उतना इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने अब मिड में कर दिया, तो अभी ये फिर ब्लॉक किया हुआ है, फिर भी अभी ये कम हो गया है। पहले 600 तक जा रहा था, अभी 300 के आसपास आ रहा है, तो पावर इसका कम हो गया। फिर फुल कर देंगे तो और आगे जाने लग जाएगा। तो ऐसे सक्शन जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको इस टाइप से इसको यूज़ करना है। और ये देखिए फिल्टर इसमें इसलिए दिया गया है ताकि जब ये भर जाएगा तो भी अगर बाई चांस गलती से भी सक्शन सिक्रेशन मशीन के अंदर जाने लगे तो इसको फिल्टर जो है यहाँ पे रोक ले, मशीन के अंदर गीला ना जाए, पानी मशीन के अंदर ना जाए, इसको यहाँ पे ये फिल्टर सक्शन को रोक लेगा। कई बार क्या जार भर गया तो आपको ये खाली करना है, लोग खाली नहीं करते हैं, तो इसलिए इसको रिमूव करेंगे। रिमूव करके दोनों ट्यूबिंग से यहाँ से हटा लीजिए, जार को निकालिए, इसको खोल के इसको फेंकना है गर्म पानी से, या जो उससे भी आपको साफ़ करना है, सर्फ से, गर्म पानी से, साइडेक्स सैनिटाइजर, जिससे भी साफ करना है इसको साफ करके आप लगा सकते हैं। ये ग्रेजुएशन इस पे दिया है, मार्किंग दी गई है 1200 ml तक, तो जितना भी सिक्रीशन होगा इसमें आप नोट भी कर सकते हैं कितना सिक्रीशन इसमें आया है, उतना सिक्रीशन जो है इसकी मार्किंग तक आप नोट कर सकते हैं कितना सिक्रीशन निकला है, तो वो रिकॉर्ड करके भी आप रख सकते हैं अगर आपको डॉक्टर को बताना है। वापस इसको डाल के इसको वापस बंद कर दीजिए। ये ध्यान रखना है इन आउट कहाँ से लगाना है आपने, इस पे पेशेंट बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पेशेंट, तो पेशेंट वाली साइड इधर आएगी, पेशेंट वाली साइड मतलब जो लंबी ट्यूब है जहाँ से सक्शन हमें करना है,
वो पेशेंट की साइड आएगी और जो फ्लो मीटर है जो यहाँ पे दिया गया है, वैक्यूम दिया गया है, वैक्यूम वाली साइड जो है वो मशीन से कनेक्ट होगा फिल्टर वाली साइड से। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं सक्शन मशीन को। जब यूज में ना हो तो इसका पावर ऑफ कर दीजिए, जब यूज करना है तभी ऑन कीजिए और इसको ऑफ कर दीजिए। एक साल की वारंटी के साथ ये मशीन आएगी और इसके कुछ भी आपको ऑपरेशन मैनुअल इसके साथ में है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिल आप मशीन का जरूर लीजिए जब भी किसी से खरीदें, इसके साथ में ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं वारंटी की। 12 महीने की वारंटी है जब से आप परचेज करेंगे बिल से। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की वारंटी है, डीलर के पास आपको ये ले जाना पड़ेगा, होम डोर स्टेप सर्विस नहीं है इसकी। इंस्ट्रक्शंस के लिए आप ये इसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू।